Alright, so with a Delhi-like welcome, help me welcome on the stage, oh. brand new diamonds, Manoranjan and Shalaya! this is a very very special day for both of you and I have a plaque from Mr. Bilbrit for you and I hope you have a very special place in your home for this and this plaque says like Manuranjan and Shalija New diamond. the highest rewards for the man dedication to excellence is not what one gets from it but what he or she Becomes through it. Bill Brett. We are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Brett, Free Enterprise Day Celebration 2018-19. Here for you. Enjoy your day. मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना यस yes! फ्रेंड्स अगर आज 35 मिनट के बाद अगर यदि अंदर से कुछ नहीं हुआ तो एम्स बगल में है इसीलिए इस सेमिनार को यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है राइट right? कोई भी मीटिंग हो कोई भी फंक्शन हो तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड वाले ने हमारे कोई कहते थे, आपको एक बहुत अच्छा सा उत्तरदायित्व देना है क्या देना है भाई साहब तो आपको एक्साइटमेंट चेक करनी है और बिलीव मी जब जब उन्होंने दिया एक्साइटमेंट चेक करने के लिए और मैं आया और आज उसी एक्साइटमेंट का नतीजा है कि वी एंड सलजा आई एंड सैलजा ब्रेड यस। फ्रेंड्स yes. मुझे नहीं पता था जब मैं इस बिजनेस को साइन अप कर रहा था तो एक अपने फ्रेंडशिप को निभा रहा था एक फ्रेंड्स ने मुझे इनवाइट किया और मैं उनको टाल नहीं सकता था क्योंकि इस बिजनेस से पहले भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं नन अदर देन उन्होंने मुझे बुलाया और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताया और बीइंग एज ए बिजनेसमैन मुझे कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल समझ में नहीं आया जैसे फर्स्ट टाइमर जो भी होंगे कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आया मुझे भी नहीं समझ में आया लेकिन एक बात समझ में आ गया कि एक कंपनी सेक्रेटरी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा और वो बिजनेस प्लान जो आप सब देखकर कर यहां पे आए हैं वो और कोई नहीं दिखला रहा था रात के पौने एक बजे डॉक्टर अजय एंड डॉक्टर सुनीता दिखला रहे थे समझने की कोशिश करना कि उससे पहले मेरे से कोई मिल नहीं सकता था क्योंकि मैं अपने पर्सनल जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी था इतना डैम बिजी था कि मुझे घर से जाने का तो वक्त होता था घर में आने का ही टाइम नहीं होता था लेकिन अगर जिंदगी की बात हो कैरियर की बात हो तो फिर टाइम नहीं देखा जाता है फिर उनके हाथों में घड़ियां नहीं होनी चाहिए राइट और ये सब बेसिक चीज पहले से मुझे पता था पहले से मुझे बिहार में जन्मा हुआ एक मध्यवर्गीय फैमिली से मेरे फादर डॉक्टर थे और दिल्ली में मास्टर करने के लिए आया था आईटी दिल्ली से मैंने मास्टर किया और खूब सारे जगहों पे आजमाया अपने आप को मेरा फर्स्ट जॉब था ईआईएल उसके उसको छोड़ा आठ मंथ के बाद मजा नहीं आ रहा था लग रहा था यार ये आठ हजार में होगा क्या हमारा सपना आठ हजार का तो था नहीं मैंने छोड़ा फिर उसके बाद कंप्यूटर्स लाइन में आया और बहुत पैसा बनाया बहुत पैसा बनाया जब इस कंप्यूटर्स लाइन को मैंने छोड़ा फिर देखा कि कॉमपैक्ट एच सी एल एचपी हमारे लेवल पे आ गए तो मुझे लगा कि शायद मैं इनको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा चलो कोई और देखते हैं इंडस्ट्रीज फिर मैं दूसरी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर गया राइट right? दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट किया इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहा था और ढूंढ रहा था वो खुशियां जो मुझे चाहिए था पैसा तो खूब मिला पैसा घर गाड़ी इन सब के लिए मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर रहा था क्योंकि मैं ये ऑलरेडी दिल्ली में आके अर्न कर चुका था चीज ढूंढ रहा था तो एक हैप्पीनेस, पीस फ्रेंड्स इस बिजनेस को साइन अप कर लिया डॉक्टर अजय के बाद जो हमारे अपलाइन हुए रूप सिंह जमवाल एंड सुनीता जमवाल वो हमारे घर पे आते हैं मीटिंग करते हैं और मेरे घर की बड़ी तारीफ करते हैं हम क्या बिजनेस चाहे जो भी हो लेकिन ये आदमी बहुत मजेदार है हमारे घर की तारीफ जो कर रहा है मुझे क्या पता था राइट? Right? फिर उसके बाद जो हमारे मेंटर्स हैं कोच हैं, जो हमारे फिलोसोफर हैं जो हमारे गाइड हैं जो हमारी जिंदगी को न जाने किस ऊंचाई पर लेके जाएंगे मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और वो मेंटर ऑफ मेंटर्स है अदर देन अनुराग अग्रवाल। अगर मैं उनका नाम भी ले लेता हूं तो एक दो स्पॉन्सरिंग ऐसे ही हो जाता है अगर मैं बता देता हूं कि मैं किस घराने से हूं, हमारे मेंटर्स कौन है हमें कोच कौन करता है कौन गाइड करता है तो बिलीव मी लोग मना नहीं करते हैं राइट फ्रेंड्स एज यूजल बिजनेस स्टार्ट हो गया लेकिन मैं फिर अपने वो ट्रेडिशनल काम में वापस चला गया भागा दौड़ी की जिंदगी में चला गया और जब भी बुलाए आ रहा हूं पहुंच गया हूं बस पहुंचने वाला हूं गेट में घुस गया हूं कितने लोग इस बहाना बनाते हैं कितने लोग बहाना बनाए ऐसे अपने अपलाइन को अगर जो लोग ये बहाना बना रहे हैं वो यहां पे बैठे हैं और वो डायमंड जा रहे हैं ऐसे ही बहाना बनाता चला गया कुछ नहीं हो रहा था बस ऐसे ही उन्होंने एक एफ की मीटिंग में लेकर आ गए शुरू में तो लगा कि बस ये सब कुछ हो रहा होगा कोई हंसा रहे हैं कोई ये वो डांस ड्रामा गाना चल रहा था हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बट एट द एंड ऑफ द एफी जाते 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 पता चल गया जो मैं समझ रहा हूं वो काफी नहीं है इस बिजनेस में बहुत कुछ है बहुत कुछ है और फिर मैं इस बिजनेस को बनाना शुरू कर दिया बहुत तेजी से बना रहा था इस बिजनेस को बहुत तेजी से प्लैटिनम गया मैं 2008 में प्लेटन क्वालिफाई कर गया 2009 में जैसे ही एम्फ क्वालिफिकेशन में गया भगवान मंजूर कुछ और था टेस्टिंग किया और सैलजा का एक्सीडेंट हो जाता है और सैलजा का एक्सीडेंट भी ऐसा एक्सीडेंट कहीं और नहीं अपने घर में ही राइट कहीं और नहीं बाथरूम में। और ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 18 दिन के लिए कौमे में चली जाती है किसी के पास भी होप नहीं किसी के पास जवाब नहीं कि हां फिर से ये रिकवरी करेगी या नहीं करेगी फिर से वो मेरी जिंदगी में आएगी या नहीं आएगी बट फ्रेंड्स हम लोग का ड्रीम इतना स्ट्रांग था इतना ज्यादा ड्रीम स्ट्रांग था कि इसको तो आना ही था इसको तो चलना ही था और इसको तो बोलना ही था और ये स्टेडियम में इसका तो होना ही था। फ्रेंड्स हमने एक ही चीज सीखा है डेट बदल जाए डेट बदल जाए बट ड्रीम नहीं बदलना चाहिए और ड्रीम नहीं बदलना चाहिए और अगर यदि ड्रीम आपके साथ में है तो वो घड़ी आप सभी के लाइफ में आने वाली है सभी के लाइफ में आने वाली है मी वेरी फ्रेंकली आज हमारा दिन है यहां पे मैं और सैलजा कभी वहां पे बैठा करते थे कभी वहां बैठा करते थे कभी वहां बैठा करते थे राइट फ्रेंड्स लेकिन आज हम दोनों यहां पे चमक रहे हैं आज जब मैं त्यागराज स्टेडियम में इन कर रहा था तो मैं बहुत सुकून से था कि चलो आज टिकट का हिसाब नहीं करना पड़ेगा चलो आज टिकट देने के लिए बार बार नीचे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा आज मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आर यू फाइड अप नहीं करना पड़ेगा एक अजीब सी सुकून था राइट और ये सब एक दिन में नहीं हुआ सब एक दिन में नहीं हुआ चौदह साल लगे हैं चौदह साल भगवान रामचंद्र जी को भी चौदह साल बनवास जाने के बाद ही उनके घर

बिलीव मान लीजिए ये बिजनेस मुझे नहीं समझ में आया था इस बिजनेस को समझने के पीछे एक ही लॉजिक था सैलेजा जब मैं FED में था मैं तो कुछ और मकसद से गया था लेकिन हुआ वहां पर उल्टा हाँ सैलजा जब हम फर्स्ट एफ में गए थे इसी तरह से तो सैलजा कह रही मनु भूख लग रहा है देखो छोले भटोरी बन रहे हैं है। हमने कहा पागल हो क्या बारह सौ रुपए दिए छोले भटोरे के लिए अंदर बहुत बड़ा इंतजाम होगा चलो ना अंदर जब अंदर पहुंचा तो फिर कह मनु पानी पी ले हम दस रुपया का पानी खरीदेंगे बारह सौ रुपया दिया है। चलो ना अंदर मेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम हुआ होगा राइट right? इसी उठ में घुस गया और जब घुसा तो देखा कि भाई साहब सारे लोग डांस कर रहे हैं हम कि अरे यार दस, दस बजे सब डांस कर रहे हैं हम कि यार ये एसोसिएशन तो बहुत मजेदार है हम लोग तो शाम में थोड़ा सा मूड बना के आते थे यहां तो दस बजे से ही शुरू हो गए और मैं जैसे ही घुसा मैं काउंटर देखना है कहां पे जहां जो ज्यादा डांस करता था वहां पहुंचते थे शायद काउंटर वहीं होगा शायद काउंटर वहीं होगा और ये ढूंढते ढूंढते मुकुन को न जाने कितनी बार कहा ले आया फंसा दिया संडे बर्बाद कर दिया राइट वो मिले ही ना वो काउंटर ही ना मिले जहां हम डिक्चू डिक्चू करें एट फाइनली सैलजा बोलती है कि अरे आ गए तो बैठ जाओ ना क्या फर्क पड़ता है आज समझ लो और एफ डी खत्म होते 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 कहती है मनु ये हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या हम क्या, तुझे क्या समझ में आया मैं तो काउंटर ढूंढ रहा था तुझे इस क्या समझ में आ गया नहीं देखो हम लोग का भी लव मैरिज है राइट अगर हम लोग भी करेंगे तो शायद इतना टाइम मिलेगा फ्रेंड्स एक बात बता दूं हम लोगों ने सात साल लव करने के बाद मैरिज किया है सात साल और उससे पहले तो मैं टाइम देता था उसके बाद तो टाइम ही नहीं देता था मतलब इवन जब ये प्रेग्नेंट भी थी तो मैं एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं गया इसको लेके मैं बोला ये है रहा गाड़ी की चाबी आप जाओ खुद जाना क्यों क्योंकि अब ये सुरक्षित हो गई थी अरे इतनी खूबसूरत इतनी को कोई भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकता था हम कि यार हमारे रहते तेरह सौ किलोमीटर दूर बिहार से आने के बाद कोई और प्रोस्पेक्टिंग हो तो ही नहीं सकता था क्योंकि मोरल शुरू से ही अपलिप्त था क्योंकि बिहारियों के पास मिला क्या है क्या मिला या तो खूब पढ़ाई लिखाई या मेंटल गट्स मेंटल गट्स कितने लोग के पास मेंटल गट्स हैं अच्छा एक बात कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं कितने लोग का मन है डायमंड जाना एक बात बता दूं मन से कुछ नहीं होता मनोबल से होता है मनोबल से होता है राइट right? सैलजा को समझ में आ गया अब मुझे लगा क्या समझ में आया और सच बता रहा हूं इस डायमंड की जर्नी में ये शैलजा का ही यहां था कि मैं यहां पे हूं वरना मैं कोई और इंडस्ट्री में जा चुका होता राइट right? मैं चाहूंगा हमारे पूरे बिजनेस का बैकबोन है सैलजा इसे आप सुनो समझो आज तो आपको इसकी आवाज भी पता चल जाएगी अगर मैं बताऊं साल साल पहले, तीन साल पहले ये कुछ बोलती थी, बोलती थी, थी, एक चीज पांच नहीं आता था Thank ये बिजनेस इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन थैंक गॉड्स आवर कोच आवर फिलोसफर इसको बेड से उठा के इस ब्रिट स्टेज पे लेके आ गया इस ब्रिट स्टेज अभी मैं इनको माइक देता हूं But इतना मैं जरूर बोलूंगा यहां पे बैठे हुए जो भी लोग हैं कैच इफ यू 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 कैन कैन कैच इफ राइट ब्रांड न्यू डायमंड लेडी गोइंग इट इज सेलेजा थैंक यूंगी नमस्कार सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप सबको कहती हूँ क्योंकि क्यों आप लोग ने भी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्यों क्योंकि आपकी जिंदगी आज के बाद चेंज होने वाली कि हम लोगों ने भी ए आई को देख के ही लिया था सबसे पहले धन्यवाद भगवान को इस दृष्टिकोण देने के लिए दूसरा दिमाग को जो मुझे जीवित रखने के लिए और मैं अपने बारे में कुछ लाल बोलना चाहूँगी सख्त रस्तों पे आसान यह सफर लगता है निश्चित ही आपकी दुआओं का रसर लगता है और मैं हम अपने वाक के बारे में बोले बताऊँ मैं अपने बारे में मैंने डेली की बॉल बटम्पू यहीं पे पढ़ी लिखी हूँ यहीं जन्म हुआ है और यहीं इस पर मैंने ग्रेजुएशन करके ऑफिस में डिप्लोमा किया और जॉब की काफ़ी समय तक एक एज ए सेक्रेटरी लेकिन मुझे ये जॉब समझ नहीं आती थी, थी क्योंकि अपनी छोटे पर जीना का मन न करता था लेकिन कर नहीं पाते कि जाना उनकी अपने समय पर होता आना बॉस के समय पर होता जब बॉस छुट्टी देते तभी तो तो आ पाते थे क्योंकि वो कई बार सेक्रेटरी का काम ऐसा होता कि रुकना पड़ता था उनके काम के लिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता था इसलिए मुझे बिना बहुत जल्दी समझ आ गया था अगर मैं अपने फिर मैंने बिजनेस जॉब को थोड़ा सोचा कि कैसे कंटिन्यू करूँगी तो मैंने मनु किसी को बोला तो मनु जी का बिजनेस को मैंने फिर से ज्वाइन कर लिखा तो उनका अच्छा कंप्यूटर का सेटअप था तो मैं साथ में उनके साथ काम करती इसलिए मुझे घर में बैठना कभी भी अच्छा नहीं लगता था और जब हम लोग हर तरह की बिजनेस करते थे हमने आप लोगों ने सुना होगा कैश का चार्ट जो सुना होगा हमने बिजनेस बनाए थे बिजनेस किया और बिजनेस क्या होता है हम जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस होता है क्या नहीं वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड होते हैं हम लोग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं काम करते हैं तो हम लोग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट भी जी करते थे बहुत जगह पे बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होता था लेकिन वो लाइफ नहीं मिल पा रही जो हम करना जब हम चाहते थे कि हमारी लाइफ मेरी थी, थी तो हम चाहते कि मजे से जिए अच्छी जिंदगी जिए इसलिए विनर को समझ आया था जब एफी देखा था कि विनय हमें अच्छा लगता था करना चाहिए कुछ लाइन बोलना चाहूँगी यही फसाना हमारी बिजनेस का है लोग इनकार करते गए हम इसी पर का इंतजार करते गए आज भी लोग इनकार करेंगे हम इसी पर का इंतजार करते रहेंगे <प्राणगा> बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन तो हम 2004 में ही ले चुके थे जिन्हें हमने फीडी निधि भाभी की देखी थी आज हम बताए थे उनके कारण ही हम को बना पाए हैं आपके अपलाइन ने आपका ड्रीम है क्योंकि वो आप, आप जो आपके इमिडियट है जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है उनका ड्रीम को आपको रखना चाहिए उनको देखिए वो कैसे ग्रो हो रहे हैं ग्रो करते करते वो कहाँ हम लोग ने नग नहीं दी वो देख देख के ग्रो करते गए वही हमारे ड्री हमारे ड्रीमर मतलब वही हमारे मतलब है वही हमें बताते हैं बिजनेस करने के लिए मैं अगर कभी बताऊँ बिजनेस के बारे में हम शुरू से चैम्पियन थे हर फील्ड में और हम यहाँ नहीं होते तो हम कहीं और चैम्पियन होते पर चैम्पियन जरूर होते ये हमें बताता क्योंकि हम चैम्पियन हैं हम जब री प्लेटनरशिप की क्वालिफिकेशन में थे उससे समय मैं एक्सीडेंट हो गया था मैं बाथरूम में ही गिर गई थी अपने और मुझे जो है भी रेसिस हो गया था पंद्रह पाँच मन के मैं क्वालिफिकेशन चल रही थी मैं घर में ही गिर गई थी इसका पकड़ना और मेरा ऐसी प्रॉब्लम थी कि लोग भी देखे बिजनेस नाम कर रहे थे सब कुछ सही चल रहा था हम हो सकते पहले भी टाइम जाते लेकिन कई लोगों ने मुनि जी कहे कि मुनि जी अपनी वाइफ को संभालेंगे बिजनेस को संभालेंगे तो उन्होंने यही देखा कि वो कई लोग हमारे साथ छोड़ के भाग गए और मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूँ कि मे मेरे घर में मेरा एक ब्रदर है वो जिग्नेश भाई है गुरु भाई का जो साल होता है वो हमारा भाई है एक ही ब्रदर वो बिजनेस में बहुत अच्छी प्र, प्र, था वो भी छोड़ के चला गया तो हमने फिर से बिजनेस को बहुत अच्छे से क्योंकि हम शुरू से ही अपनी लाइन को स्पॉन्स कर चुके थे पहले से कि प्लान मुनि जी इंजीनियर को पूरा बिजनेस प्लान पहले से समझ आ गया था और ऑप्लाइन से पूछे कि पूरा प्लान हमने पहले सेट कर रखा था कैसे बिजनेस को करना है हमें छः लेख पहले से रेडी थी तो हमने पहले बिजनेस तो माइंड सेट था ही हमारा तो हमने पूरा प्लान पहले से तो लोग हमारे को छोड़ के जाने लगे लेकिन हमने फिर भी नहीं सोचा कि बिजनेस का तभी वो चार हजार की बात जो करते ना सोच चार हज़ार पे स्टार्ट होकर फिर हमें रीबिल्ड करना था बिजनेस को mm -hmm. फ्रेंड्स हमने डेढ़ डेढ़ बदली लेकिन टीम कभी नहीं बदला आज भी नहीं बदलेंगे डायमंड डायमंडी सी भी जाएंगे ड्रीम और डेट में ये फाइव डेट बदलते कोई बात नहीं ड्रीम मत बदलना अपना कभी भी बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे चैलेंज बहुत होते हैं ना मुझे किसी आगे रोने का मन करता ना कुछ अपना बताने का मन करता लेकिन आपको होप दे सकते हो कि जिंदगी एक बार मिली है इसको जिए अच्छे से इस बिजनेस को बनाए अच्छे से बिल्ड करें बहुत बढ़िया से मन से मिल कर ये बिजनेस बहुत अच्छा है क्या क्या आपको मिलेगा मैं नहीं जानती लेकिन बहुत कुछ मुझे जो मिले मैं आपको वही बता सकती कि अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीज मिल जाएंगी क्या क्या चीज़ एक जॉब करने वाली सेक्रेटरी जो बॉस की डॉट पे ही काम करती थी उसका अपने इंटरप्रनरशिप मिली है इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता जॉब तो करना ही था लेकिन आज मैं अपने लिए वर्क करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए आज मेरे बॉस हस्बैंड हैं मैं अपने बॉस की एटर्नरी बनाती हूँ बॉस की नहीं मनोरंजन सर की एटर्नरी बनाती हूँ आज मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात कह के इंटरप्रनरशिप आज मुझे इस बिजनेस से ही मिल पाई ये नाम मुझे इस बिज़नेस से ही मिल पाया है मेरा हेथ मैं अगर अपनी प्रॉब्लम होता मेरा ख्याल पूरा एक वक्त नहीं करता लेकिन मेरे जज्बा पूरे वक्त करते इसलिए मैं हार डायमंड हूँ और आपको भी यही कहना चाहती हूँ चैन कुछ भी है कुछ नहीं होता हिम्मत तो सब कुछ हो जाता है मुझे में मैं हिम्मत ही मैं फिर से खड़ी हुई मनु जी जब बहुत ढीले पड़ रहे थे तो मैं उनके आगे बोलने एज ए एज ए इंडियन वुमन मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि मेरे खुद ही इतनी प्रॉब्लम थी मैं अपने बेटे को बोलती बेटा भी बोलता था पापा के डायमंड जाएंगे मैं कहा जरूर जाएंगे बेटा क्यों नहीं जाएंगे मैं उनके आगे कोल्ट्रिप का पानी भर के रख देती थी बेटे को बेटा उनके आगे रख दे खुद खड़े होकर दे पूछएंगे तो बोल देना कि अब पापा इसी में पिए पानो पानी तो वो आगे आपको बताएंगे कि क्या हुआ था सॉरी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है लेकिन आपको ये बिलीव करती हूँ ये बिना बहुत अच्छा है इस पर काम कीजिए आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी और मैं दो तो लाइन में अपने मैंने अपनी अपनी लीडर्स जो लीडर प्लेटफॉर्म में उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे सौभि सूर्य उमेश जी चारू अजय चारू अधिकारी सब हारे ने हमें बीने टाइम से में उनको हेल्प किया था मतलब डिसीजन लिया था हमारे को डाइम जाने के लिए है ना तो ऐसे लोगों का मैं बहुत ही सर विकास जैन एंड दिवाली जैन के बारे में सब लोग हमारे पेडेंट रिलेटर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती बाकी बैक टू माई हजबेंड आप उनकी बात सुन थैंक यू सलेजा फ्रेंड्स जब सलेजा अपनी बीमारियों से रिकवर हो रही थी और जब मैंने से पूछा हमारा बिजनेस कहां पे है तो मैं दो मिनट के लिए चुप रहा किसको सच बताऊं 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 या बताओं? सच बताओं या झूठ झूठ सच मुझे लग रहा था कि मैं सच बोलता हूं कि बिजनेस डाउन हो चुका है तो शायद फिर इसके माइंड में कोई इफेक्ट ना पड़ जाए मैंने झूठ बोला नहीं सैलजा अभी हम तीन साल से बाहर नहीं निकले तो बिजनेस उतना तेजी से नहीं चल रहा है बट है, है राइट ये बात बताया इसको और मुझे लगा इसको कुछ नहीं हुआ तब समझ में आया कि यार आप तो कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए और करना क्या चाहिए बहुत मेहनत करता था बहुत प्लान दिखाता था एज यूजल और वही सब रिजेक्शन झेलता था नो ये सब झेलता था बट इन सबों का ट्रू मीनिंग मुझे पता था और इसीलिए मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा फिर भी बिजनेस बना रहा था कभी हो रहा था कभी नहीं हो रहा था कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे जा रहा था और जब मैं सीडी सुनता था और मुझे सबसे पहले से फेवरेट सीडी था अनुराग या निधि अग्रवाल जो हमारे मेंटेन का सीडी बहुत फेवरेट था तो उस सीडी में सुनता था कि जब आपके बिजनेस ऊपर नीचे जा रहा है इट मींस आप लाइफ है आपके अंदर में आप अगर यदि आपका बिजनेस फ्लैट हो जाएगा तो आप गॉन हो जाओगे चले जाओगे राइट ये बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहता था एक समय जब बिजनेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था तो मैं एक इस बिजनेस से बाहर जाने के लिए सोचा हम कि यार अभी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे पैसा और बनाया जा सकता था मैं गया था गया आज से 28 अट, मंथ पहले मुझे आज भी याद है जुलाई का मंथ 2015 मैं गया अनुराग सर से कि फिर सेप्टेम्बर आएगा फिर नया गोल फिर मनोरंजन ये करेगा और मनोरंजन से तो चार हजार पीवी नहीं हो रहा था फ्रेंड्स राइट मैं गया सबमिट किया उनको उनको बताया कि सर लगता नहीं है कि मुझसे हो पाएगा मेरा माइंड नहीं कह कर हो पाएगा उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं मुझे बोला वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल करते हैं और बुलाते हैं और एक ही लाइन बोला उन्होंने मनोरंजन छोड़ना तो सबसे इस धरती का ईजीएस्ट वर्क है इससे ईजिएस्ट वर्क हो ही नहीं सकता किसी चीज से पीछे भाग जाना बट मुझे बिलीव है कि तुम कुछ कर सकते हो हम आपको बिलीव होगा मुझे तो बिलीव नहीं है उन्होंने बुलाया बैठाया एक प्रोग्राम सेट किया और मैंने उनसे साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर यदि मैं इस बिजनेस को फिर से स्टार्ट करूंगा तो डायमंड जाने के लिए करूँगा उससे उससे पहले मैं रुकूंगा नहीं उससे पहले रुकूंगा नहीं और उन्होंने मुझे कुछ बताया कुछ गेम प्लान बनाया हमारे लिए और मैंने कह दिया प्रॉमिस किया उस समय मतलब पावर ऑफ मेंटर्स जो कहते हैं वो यही होता है कि एकदम ना जाने कहते हैं ना कि भगवान ने कृपा किया कि आंख दिया और अति कृपा किया कि आपको दृष्टि दिया है मुझे उनकी बातों पे फेथ हुआ और उन्होंने जैसे कहते गए कहते गए 2015 सितंबर हमारा पी भी दस हजार तीन सौ अस्सी कहा बत्तीस सौ तैतीस सौ पे मैं छोड़ देता था दस हजार दो सौ अस्सी और वहां के बाद अपनी पूरी जिंदगी में दस हजार के लिए ही खत्म ही खत्म सबसे पहले गेम प्लान बनाया था कि प्लेटनम रिक, रिक्वालिफाई कर ले, लेकिन प्लेटनम रिक्वालीफाई करते करते फाउंडर चले गए और फाउंडर जाते जाते इतना बढ़िया स्ट्रक्चर स्पूट कर दिया स्ट्रांग हो गया कि क्या बताऊं उस लेक के बारे में सारे और एक बात बताऊं जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं पांच भाई बहन था सहजा के एक भाई मैं बोला तो मैं तो घर से ही यार डायमंड चाहिए डायमंड के लिए पांच हमारे भाई चार हमारे भाई बहन दो इसके भाई हम डायमंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कोई नहीं है इस बिजनेस में हेलो कोई नहीं है सारे स्ट्रेंजर हैं हमारे बिजनेस में सारे हमारे खूबियों के कारण हमें मिले राइट कोई भी बिजनेस में अगर यदि आपके साथ एसोसिएट होगा या तो आपके अब, उसके अभाव के कारण आपसे साथ एसोसिएट होगा या प्रभाव के कारण या आपके स्वभाव के कारण आप लोग मार करके रख लेना इस बिजनेस में आपके साथ ही इन्हीं तीनों कारण आपके साथ जुड़े रहेंगे बिजनेस बनाता गया बनाता गया फर्स्ट फर्स्ट ईयर फाउंडर प्लेटनम सेकेंड ईयर एमरल्ड और थर्ड ईयर नतीजा आपके सामने है जुलाई में कंप्लीट कर दिया राइट डेट था 29 जून का लेकिन एक मंथ डिले हुआ और उसके पीछे भी लॉजिक था रीजन था कि हमारा एक आर्मी में पूरी टीम होती थी नागपुर में जहां से प्लेटनम निकले हमारा सिक्स लेक था वो उनको शिफ्ट कर दिया गया इंडिया के हर कोने में लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा एक मंथ लेट हुआ राइट फ्रेंड्स कहते हैं ना कब आपने शुरू किया ये मक... ये नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने जब से डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है और जब हमने डिसीजन लिया तो बिलीव मी चारों तरफ से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके ना दाहिने देखा ना बाएं देखा कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है सार चारों तरफ से अपना एक लगाया और काम करता चला गया डेली डेली बेसिस प्लान दिखाया स्ट्रक्चर ऑलरेडी था सब में खूब ज़्यादा काम किया काम किया और सारे लेख धीरे 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 ब्रेक करने लगे ब्रेक करने लगे ब्रेक करने लेक हमारे सारे जो प्लेटन हमें डायमंड लेकर गए हैं बिलीव मी सब हमारे को ऐसे ही मीटिंग में मिले हैं एक सबसे पहला जो लेक था हमारा वो जब हमें द्वारका मीटिंग में जाता था तो हमारे पैकेट पे टिकट रहता था तो एक लड़का भाग के आता है और कहता है आपके पास टिकट है हम यहाँ टिकट है तो आप मुझे दे सकते हो हम कि आपकी सेलवे से पहले बताओ तो नहीं मैं आप मतलब मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ तो, आपके पास है तो दे दो मैंने उसे एक टिकट दिया बाद में वो हमारा हमारे से को ही स्पॉन्सर बनाया हम ये मुझे ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हो उस मुझे ऐसा ही स्पॉन्सर चाहिए जिसके पास ब्रिट्स का मीटिंग का टिकट हो ऐसे ही मैं ओपन में जाता था जाता था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आई एम में एक मीटिंग था एक फॉरेन से कोई आया हुआ था वो भी ये सोच के आया था कि हम इंडिया में जाके बिजनेस बनाएंगे और वो आया और मुझे देखा होगा कहीं पे कहा कि आप बहुत ज्यादा डायनेमिक शार्प लग रहे हो आ? मुझे स्पॉन्सर की जरूरत हो क्या आप मुझे स्पॉन्सर करोगे मुझे अपनी टीम में लाओगे हम ये यू कैन डू इट करो कैच इफ यू कैन अगर आप कर सकते हो तो वो हमारा सेकेंड लेग बना राइट right? ऐसे ही करते करते हमें सब लेग मिला है कभी भी आप साइन अप करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि सब लोग आपको बीच में मिल जाएंगे सबको आपको ढूंढना पड़ता है हमने भी ढूंढा है फ्रेंड्स मेरा एक ही मानना है कि अगर यदि यहां पे बैठे हुए हर लोग इस बात को ठान लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए डायमंड नहीं रहेंगे बिलीव मी यू ऑल आर डायमंड यू ऑल आर डायमंड यू ऑल आर डायमंड आप सब डायमंड हो मेरे साथ कुछ कह सकते हो खड़े हो जाओ बैठ के कोई नहीं डायमंड है कोई नहीं गया है खड़े हो जाओ मैं बोलूंगा आई एम डायमंड आपको पीछे से बोलना आई एम डायमंड आई एम ए 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 डायमंड आई एम आहा ये तो अभी इस आपका ठानने वाली बातें हुई थी इससे मामला नहीं चलेगा इसे आप प्लेटिनम तक जा सकते हो रियली really? प्लेटिनम तक जा सकते हो और जो लोग कुछ कुछ हाथ उठा रहे थे वो एमरल्ड तक जा सकते हो आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ अब दोनों हाथ से उठा के यहां से ठानने हैं ठान सकते हो अपने फैमिली के लिए डायमंड जा सकते हो यस से करते डायमंड आई बी डायमंडम डायमंड Demon. 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 Go, Demon. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.